up. It's going to be a challenge for Salim now. Going down leg. And, oh, they're looking for a run. Yeah, could be a run out. All channels of communication blocked between the two batsmen. Yeah, pehle apni crease pe the. Fir jaise dekha gend gap mein gayi hai. Last time around, Akhil was run out without scoring, but that's played well. That's played well in the gap. Should be a couple of runs. Good running as well in the end. Not a great throw coming in from the deep. The crowd are loving it. The whole track. Well, tell you what, Akhil, 19 of 12. He's the set batsman. So I think this is probably going to be the key wicket here. If you can get the set batsman out, have two new batters at the crease. Akhil has different plans. He's dispatched that. That's going to be six in any stadium in India. लीजिए ये जवाब है उनका 43वां छक्का काफी पीछे जाके सेकंड रो में लगभग गेंद गई है लंबा छक्का रिजल्ट तो वही होगा 6 रन मिलेंगे पर कॉन्फिडेंस बूस्टर है बैट्समैन के लिए और वही डिमोरलाइज करता है गेंदबाज को अगर इस तरह से बैटर अटैक करे सलीम स्ट्रगल किया था बैटिंग करते हुए भी अगर इस लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा Clever batting. That's clever. They're not going to run on the misfield. Most coaches tell you that. Don't run off a misfield, especially when everything's going your way. Yeah, Rabban, jab run aa rahe hain, jab aap bade shots khel rahe hain, toh ab ye aapko khatra lena nahi chahiye ki aap wapas aaye. Kyunki aakhri cheez jo Telugu Warriors chahti hai, woh ye hai ki ab koi run out ho. Ab chahte hain ki kahin na kahin ये साधारी जो अब सही नजर आ रही है हालांकि अभी तक प्रिंस ने अपना खाता खोला नहीं लेग स्टंप के बाहर दिशा से भटकते हुए वाइड का इशारा पर हम बात कर रहे थे पिछले मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए थे अखिल और ये हुआ था बढ़िया वहां पे अब एफर्ट था कोई गेंद का सामना नहीं किया और डायरेक्ट हिट 9 स्ट्राइक रेट में बाहर निकलाए थे जो पिछला मुकाबला हुआ था अखिल ने और ये देखिए प्रतिक्रिया Oh, looking for a tight single there, they'll get it. It was a non-striker's call. Akhil knew he was running towards the danger end. That's why Prince applauding him. You know, we saw that replay of what happened in that previous game where Akhil got run out. I thought, a simple way to describe it. Go, no go, go, no go. Oh shit, gotta go. Yeah, Raman, yehi hota hai ki haana, haana. Kai baar aap thoda sa taalmel mein kami nazar aati hai. इस बार ग्लाइड किया काफी फाइन खेला तेज आउटफील्ड है और 4 रन और मिलेंगे महंगा ओवर साबित होता हुआ 40 पे एक लाइन विकेट टू विकेट रखनी पड़ेगी अरुण को पहला ओवर डालने वाले तीन बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड पर ये लीजिए इसी की बात कर रहा था मैं फाइन लेग ऊपर है कुछ भी डालेंगे डाउन लेग कीपर मिस करेगा रन होंगे 5 वाइड ये लीजिए बहुत बड़े सितारे आए तभी वो शोर सुनाई देता हुआ पर अगर अरुण की बात करें तो शुरुआत इतनी बढ़िया नहीं दिशा से भटके फाइन लेग का फील्डर जैसे आप कह रहे हैं रमन सर्कल के अंदर और कीपर के लिए भी बहुत कठिन ये बोनस रन है एक तो ज्यादा रन है नहीं आपके पास केवल यहां से अब 40 रनों की दरकार अंदरूनी किनारा एक रन और मिलेगा और प्रयास करते हुए रनआउट के लिए पर ओवर थ्रोज सब कुछ घटता हुआ तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में जहां केवल एक रन होना चाहिए था अब 2 रन होते हुए चिरंजीव सुपरस्टार of this southern film industry साथ में विष्णु इंदूरी उनकी दाई तरफ बाई तरफ मिस राजकुमार कौन थे केरला स्ट्राइकर्स के एक और चौका इस बीच प्रिंस के बल्ले से निकलता हुआ अब 50 का आंकड़ा पार तेलुगु वॉरियर्स द्वारा देखिए अंत तक लेना नहीं चाहते इस मुकाबले को 50 रन पूरे होते हुए स्ट्रोक के साथ बेहतरीन टाइमिंग फिर से बल्ले का मुंह खोलते हुए प्रिंस ने पिछले मुकाबले में भी अच्छा कार्य किया था बल्ले के साथ और देखिए कैसे गैप भेजने में सफल गैप में खेला टाइमिंग इतना बढ़िया है
और एक फर्क और पड़ता है रमन, जब आपने हाल ही में एक मुकाबला खेला है, अच्छी बल्लेबाजी की है, तो विश्वास है लगता है आपकी बैटिंग में। ओह, सही समय पे वापस आ गए। चौंतीस चाहिए केवल 33 गेंदों में और 9 विकेट हाथ पे। मिरेकल ही चाहिए केरला स्ट्राइकर्स को यहां से जीतने के लिए। बढ़िया ड्राइव और लीजिए एक और चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी, कोई मौका नहीं। पहले हमने स्क्वेयर ड्राइव देखी, अब कवर ड्राइव देख रहे हैं और अब चिरंजीवी भी बहुत खुश होंगे। जिस प्रकार की ही बल्लेबाजी हो रही है, कमाल का कार्य कर रहे हैं। अखिल की तो हम बात कर रहे थे, पर प्रिंस भी पीछे नहीं है। प्रिंस की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। जगह बनाई शॉट के लिए, देखिए पीछे हटे थे थोड़ा सा, हाथ खोलने का मौका। फैंस खुश, सुपरस्टार खुश। देखिए बड़ी बात यह है कि ये बड़ा मुकाबला है और अब अंत तक ले आना चाहते हैं इस मुकाबले को। प्रेशर रहता है जब आप फाइनल खेलते हैं, कोई भी लक्ष्य आप चेज कर रहे हो, प्रेशर रहता है, पर वो प्रेशर झलक नहीं रहा, दिख नहीं रहा। दो बार टाइटल जीती है टीम, जानते हैं क्या चाहिए एक बड़ा फाइनल जीतने के लिए। एक और सिंगल इसी बीच, अच्छा तालमेल, और यही करना होगा जब आप बाउंड्रीज लगा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल डबल लेते रहे। हम बात करते हैं अखिल की, कैसे टाइमिंग पे निर्भर कर रहे हैं, गेंद को दिशा दे रहे हैं, बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खासकर सचिन के आउट होने के बाद, सचिन जोशी के, वो जानते हैं उनका रोल और बढ़ जाता है। पिछले मैच हमने देखा कैसे रनआउट हुए थे, पर ये जब बड़ा जो खिलाड़ी होता है ना, अपना स्तर उठा लेता है एक बड़े मुकाबले में, और वही कर रहे हैं अखिल। लोगों ने घेर लिया है वहां पे, सेल्फी टाइम, पिक्चर्स लेते हुए चिरंजीवी के साथ सब खड़े हैं, और क्यों नहीं, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। वापस आएंगे दूसरे रन के लिए भी, लीजिए एक को दो में कन्वर्ट कर रहे हैं, 58 पे एक। प्रिंस ऑन स्ट्राइक, लुक एट दैट, इट्स द शॉट ऑफ अ बैट्समैन हुज हाई ऑन कॉन्फिडेंस। आई थिंक अकील आल्सो स्लिप्ड व्हेन ही ट्राइड टू टर्न फॉर द सेकंड रन। रमन यहां पे तो फुटवर्क की दाद देनी होगी, कैसे कदमों का इस्तेमाल करें। ऐसा लगा थोड़ा ओस का प्रभाव है, क्योंकि गेंद को पहुंच रहे हैं, हल्की सी अब ओस यहां पे नजर आती है। थोड़ा मौसम में भी अब ठंडापन आ जाता है इस समय शाम के। ये लीजिए इनका जवाब देखिए, आज रुकने वाले नहीं है, आज बुलेट ट्रेन में सवार हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी अब अखिल द्वारा, 223 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और सबका पैसा वसूल। फिर देखे स्लॉट में बॉल, फ्रंट फुट लाइन के बाहर किया, हाथ खोलने का पूरा मौका था, परफेक्ट फॉलो थ्रू बैट का। नॉन स्ट्राइकर खुश, फैंस खुश। चेंज ऑफ पेस, स्लोअर डिलीवरी थी, फिंगर्स रोल करी थी सीम के ऊपर बॉल डालते हुए। जब बड़े स्क्रीन पे आते हैं एक बड़े सितारे, तो वो उत्साह की लहर एकदम उड़ जाती है, सब उत्तेजित हो जाते हैं। और अगर आप बात करें अभी तक इस इनिंग्स में 6 चौके आ चुके हैं, 3 छक्के आ चुकी हैं, केवल 12 डॉट बॉल, केवल 12, और ये दर्शाता है कि आपने विकेट भी खोए उसके बावजूद भी केवल 12 डॉट बॉल। तो प्रेशर लिया ही नहीं है इन्होंने, तेलुगु वॉरियर्स ने। मुश्किल था, हाफ चांस कहूंगा, करीब से तो निकली बॉल शफीक के, पर कैच करना मुश्किल। एक बात और साफ जाहिर होती हुई अजय की, क्योंकि ओस आ जाती है, सेकंड गेंदबाजी करना एक लेट इवनिंग फाइनल के अंदर या किसी भी मैच में मुश्किल है, इसलिए जो 84 रन स्कोरबोर्ड पे डाले थे, 84 रन डाले थे, वो काफी नहीं थे। कम से कम 100 का आंकड़ा तो छूना बनता था, शायद 100 भी कम पड़ जाते इन कंडीशंस में। ये लीजिए खिलाड़ी डीप में, पर मात्र दर्शक, एक और छक्का, आ रुकने वाले नहीं है,
रन बहुत तेज से आ रहे हैं, 45 बार छक्का इस इनिंग्स का। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अखिल, जो मौका मिल रहा है जब गेंद स्लॉट पे है, एक क्रॉस बैटेड शॉट और आसानी से जो खिलाड़ी डीप है उसको पार करते हुए 45 से पहुंचे कप्तान टेलुगु वॉरियर्स के अखिल। 45 केवल 19 गेंदों में, एक गेंद अभी भी शेष, 12 रन चाहिए। बॉन साइड में यादव बॉर्डर मैन इस बार स्ट्राइक रखना चाहते हैं और केवल एक ही रन लेंगे।